तो अंगद जी, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। फिल्म का ट्रेलर, गाने लोगों को बहुत ही पसंद आ रहे हैं। हमने देखा कि लोग ढेर सारा ट्वीट भी आ रहा है इस फिल्म को लेकर। एज एन एक्टर, जब फिल्म के आने से पहले इतनी सारी चीज़ें होती है, ट्रेलर पसंद आ रहा है, मिलियंस ऑफ व्यू आ रहा है, आपका गाना आया है वो पसंद आ रहा है, लोग ट्वीट कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इन सारी चीज़ों को? देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो बच्चन साहब का ट्वीट आया था, हाल ही में ही आया था, वो स्कॉटलैंड में शूट कर रहे हैं तापसी के साथ, और उनके साथ तो नाता जोड़ा हुआ है पिंक से ही, तो बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने खुद शहजाद अली के साथ दो फिल्में करी हैं, झूम बराबर झूम और बंटी और बबली। तो फॉर हिम टू सी द ट्रेलर, गाना देखे हैं और गाने के बारे में ट्वीट भी किया है, गुड मैन दिलाल्टे, बहुत ही अच्छी फीलिंग है, क्योंकि मिस्टर बच्चन की आवाज़ इंडस्ट्री की आवाज़, हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ है। अगर मिस्टर बच्चन ने बात बोल दी, मतलब कि हमारे हिंदुस्तान की वो बात है। सो बहुत ही अच्छी फीलिंग है, क्योंकि जब मैं बड़ा हुआ था तो मैं उनकी फिल्में देख के पढ़ा, और मैंने उनकी फिल्में हर फिल्म कम से कम 6 या 8 बार ही देखी। मैं उनका बहुत बड़ा फैन रहा। तो जब उनसे पिंक में भी नाता जुड़ा, उसके बाद वो अभी तक जुड़ा हुआ है, भगवान करे हमें वापस एक और फिल्म या 2 या 3 फिल्मों पर काम करने का मौका मिले, तो हम चाहेंगे कि वो भी पूरा हो, क्योंकि उनसे जो शक्ति मिलती है इंडस्ट्री को, या उनके जो शब्द हैं, जो इस तरीके से वो लिखते हैं, ट्विटर पर भी उन्होंने तारीफ करी गाने की, तो फिर इंडस्ट्री उठ के देखती है, लोग, जनता उनको जो फॉलो करते हैं, तो वो भी आके उनकी वजह से देखेंगे। और हम तो चाहते हैं, क्योंकि एक ऐसी पिक्चर है जो बहुत ही अर्दी फिल्म है, बहुत ही एक ग्रेन है हिंदुस्तान का, एक मिट्टी है शाहबाद की, जहाँ से ये लड़का निकला है, जहाँ से दोनों, बल्कि विक्रमजीत, संदीप सिंह और विक्रमजीत दोनों भाई निकले हैं, उनकी ये कहानी है, और एक कम बैक स्टोरी अंडरडॉग की। तो 13 जुलाई की इसकी रिलीज़ है, और हम चाहते हैं कि जितने लोग जो संजू देखने गए, हम चाहते हैं कि उतनी ही आवाम आकर हमारी पिक्चर देख जाए, तो इस पिक्चर की बात बन जाएगी। उससे ज़्यादा लोग आएंगे ज़रूर, मतलब कि मैं तो, क्योंकि हम तो रियलिस्टिकली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक के जो जितने भी लोगों ने संजू देखी है, वो शायद उतने लोगों ने बाहुबली भी देखी थी। तो इतनी बड़ी अगर पिक्चर हो सके, हमारी तो वैसी भी बहुत छोटी पिक्चर है, ऑर्गेनिकली बढ़ रही है, लोगों को पसंद आ रहे हैं गाने, गुड मैन द लालटेन क्यों ना, सूरमा का टाइटल एंथम जो है, टाइटल ट्रैक जो है, और इश्क दी बाजिया, तो जो दिलजीत ने खुद गाया है, गुलजार साहब के बोल रहे हैं, शंकर एहसान लॉय का म्यूज़िक है, तो टीम अच्छी है, सबने मेहनत करी है, हमने हॉकी खुद खेली 4 महीने, दिलजीत मैंने और तापसी ने, काफ़ी कुछ सीखा संदीप और विक्रम के को देखकर, उनसे जानकर उनकी कहानी। तो अब हम चाहते हैं कि बस इम्तिहान का मौका, घड़ी आ गई है, देखते हैं पेपर कैसा लिखा है। जी, आई थिंक पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है, और क्योंकि आप बड़े भाई का किरदार कर रहे हैं आप, तो कुछ बताइए कि आपका क्या किरदार होने वाला है। देखिए, विक्रम जी जो है, उसका जो सैक्रिफाइस रहा है, उस सैक्रिफाइस की वजह से संदीप जो बन पाया, वो संदीप बन पाया। विक्रमजीत खुद एक हॉकी प्लेयर थे, बहुत ही बढ़िया हॉकी प्लेयर थे अपने टाइम के, और एक्सप्लोसिव ड्रैग लेकर थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिला, और वो मौका जो उन्होंने गवाया, वो चाहते थे कि वो मौका संदीप पूरा ले हाथ में, और वो आगे जाकर निकल के हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करे। क्योंकि उन्होंने देखा, जब मैंने पूछा विक्रम से, मैंने कहा कि क्या देखा आपने, कहते हैं कि ये मेरे साथ आता था ग्राउंड में, और कुछ करे ना करे इसकी ड्रैग फ्लिक बड़ी अच्छी जाने लगती थी, और ड्रैग फ्लिक टीम में ना सिर्फ 2 लोग मारते, वो टीम में इसलिए होते क्योंकि वो प्रोफेशनल ड्रैग फ्लिक करते, हर कोई ड्रैग फ्लिक नहीं मार सकता। तो कहते जब मैंने इसकी ड्रैग फ्लिक नोटिस करी, मुझे समझ आ गई थी कि ये इसकी गेम मेरी गेम से अलग है, लेकिन इसकी ड्रैग फ्लिक में बहुत जान है, और जो रिकॉर्ड रखा है 145 किलोमीटर पर आर का, अभी भी रिकॉर्ड है, इज द यंगेस्ट प्लेयर टू रिप्रेजेंट इंटरनेशनल हॉकी एट 17 ईयर्स। तो ये जो चीज़ें हैं, विक्रम ने कहा कि इसमें वो स्पेशल टैलेंट था कि ये इतनी यंग उम्र में खेल पाया। और जब मैंने इसका, जब मुझे लगा कि इसकी गाड़ी आगे जा सकती, तो मैंने अपना, कहते हैं कि मैंने अपनी पूरा जीवन लगा दिया इसके पीछे, क्योंकि मैं चाहता था कि हॉकी ने जो मुझे इतना कुछ दिया, इस घर को, हमारे घर को इतना कुछ दिया, मैं चाहता हूँ कि संदीप ऐसा नाम बने
कि वो हिंदुस्तान फिर संदीप के नाम से हॉकी की वजह से जाना जाए, जैसे धनराज पिल्ले जाने गए हैं, जैसे सरदार सिंह जाने गए हैं, जैसे बलबीर सिंह जाने गए हैं, जैसे अजीत पाल सर जाने गए, तो ही सेड धन और ध्यानचंद साहब, उनको कौन भूल सकता है, तो ही सेड कि ये हमारे हॉकी के आइडल्स रहे हैं। और मैं चाहता हूँ, मैं ही सेड कि मैं चाहता था कि जब इसको गोली भी लगी, जब ये वापस आया, इसकी गेम मैंने पूरी चेंज कराई है, ही सेड मैं हर जगह मैंने सारे दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी के सपोर्ट इतना नहीं मिला, तो हमने अपने आप पर ले ली कि कैसे हम बनाएंगे जी गेम, कैसे नहीं होगा ही सेड, कैसे नहीं होगा सन्नी की तू खड़े नहीं होगा, खड़ा हो गया अब ऐसा कैसे नहीं हो सकता, अगर तू खड़ा हो गया ना ये दो सालों में, मतलब कि तू हिंदुस्तान के लिए भी खेलेगा, ही सेड या तो तेरे में दम होता तू खड़ा ही ना होता, लेकिन अब तू खड़ा हो गया ना, अब तू हिंदुस्तान के लिए खेलेगा, और ही सेड कि मैं दिखाऊंगा, मैं देखता हूँ कि तू कैसे नहीं खेलेगा, जान लगा दी विक्रमजीत ने इसके पीछे, इसकी गेम चेंज कराई, एक्सप्लोसिव बनाई, नवे शॉट्स इसको सिखाए, और इसमें जो एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ दोनों का मिलावट करके मिला के जो ट्रेनिंग होती वो कराई, सारी इसकी डाइट चेंज कराई, बहुत मेहनत कराई संदीप को विक्रम ने, तब जाके अच्छा भी नहीं करे वहाँ के कप्तानी भी करी, भारत के कप्तान बने, तो वो एक जर्नी है। क्योंकि आपके डैडी भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं, तो उन्होंने इस ट्रेलर देखा या कुछ गाने या उनका क्या, वो हॉकी वो बहुत पहले से फॉलो करते आए हैं, और जब मैं छोटा था, जब मैं एज ग्रुप क्रिकेट भी खेला हूँ दिल्ली के लिए अंडर 16 अंडर 19, मैं नेशनल स्टेडियम में खेलता था, वो दयानंद स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ संदीप भी आता था प्रैक्टिस करने, धनराज पिल्ले साहब भी आते थे, जुगराज सिंह, ये सब जूनियर इंडिया हॉकी के जो लड़के सब आते थे, और हम इनकी ट्रेनिंग देखते थे, और मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि जिस दिन अगर तुम हॉकी प्लेयर हो जैसी फिटनेस बना सको ना, उस दिन तुम्हारी क्रिकेट 10 गुना अच्छी हो जाएगी। और हम लोग इनको देखते थे कि कैसे ये लोग स्टेयरिंग करते थे नेशनल स्टेडियम के अंदर, पुशअप्स, फ्री हैंड ट्रेनिंग करते थे, इनकी इतनी एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग रहती थी, स्प्रिंटिंग, डैशिंग। ये लोग, मुझे याद है कि ग्राउंड पे नेशनल स्टेडियम के अंदर इनका मेन सेंटर जो ग्राउंड होता था, वहाँ बारिश के टाइम पे भी, बारिश के टाइम में तो क्रिकेट नहीं चलती थी, तो हम इनका, लेकिन हॉकी तो चलती थी क्योंकि एस्ट्रोडॉक पे चलती है हॉकी, कैसे ये डाइव के लिए एक अलग सा एक वापस से शीट लगाते थे, उसके ऊपर पानी फेंक फेंक कर कैसे स्लाइड डाइव करके गोल करा, गोल की ट्रेनिंग एक्सरसाइज करते थे, ताकि मतलब कि ये लोग अपने गिफ्टेड शॉट्स या स्ट्रेंथ पर नहीं काम करते थे, ये लोग अपनी वीकनेस पर काम करते थे, जब अपनी वीकनेस को इन्होंने अपना स्ट्रेंथ बनाया ना, यही विक्रम जीतने में कहते हैं, मैं चाहता था कि इसकी जितनी कमियाँ हैं मैं सारी इसकी कमियाँ पूरी करूँ, इसकी जो वीकनेस है ना, मैंने संदीप की वीकनेस इसकी स्ट्रेंथ बनाई। और ढेरों सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, और अच्छी बात है कि पॉजिटिव चीज़ें फिल्म से रिलेटेड होनी चाहिए, लोगों को पसंद आ रहे हैं, मिलियंस ऑफ व्यू क्रॉस हो रहे हैं। फिल्म में आपने तापसी पन्नू जी के साथ में आप दूसरे सेकंड टाइम जी हैट्रिक चांस है हमारी जी। हाँ। हम तो चाहते हैं कि हैट्रिक या डबल हैट्रिक हो। तापसी जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और सिर्फ सूरमा में ही नहीं, पिंक से ये दौर चला आ रहा है, और पिंक से तापसी और मुझे दोनों को एक बढ़ावा मिला। हमारे जो किरदार थे मीनल और राजवीर, काफ़ी लोगों ने सराहे, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू शुजीत दा फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, एंड मिस्टर बच्चन एंड रॉनी लहरिया प्रोड्यूसर। सो वहाँ से हमारी एक्चुअली शुरुआत तो वहाँ से हुई है, तापसी जी वहाँ से जाके चुड़ैल में काम करके आए, हमें मौका टाइगर जिंदा है में मिला, तो वहाँ से अब सूरमा में वापस से जुड़े, तो बहुत ही अच्छी जर्नी रही है। तापसी इसके बाद भी एक मूल कर रही है, एक मनमर्जी की पिक्चर है, वो भी इसी साल आ जानी चाहिए, तो उनका ग्राफ बहुत अच्छा है, शी इज एन इमर्जिंग स्टार ऑफ आर इंडस्ट्री, एंड सो इज दिलजीत दोसांझ, वो पंजाबी फिल्म केवल स्टार है, और उनके गाने थे, जो गानों की जो तादाद है वो तो वर्ल्ड में छाई हुई है, शोज करते हैं, स्टेज शोज करते हैं, अभी इंग्लैंड में करके आए, लीड्स में, लंदन में, बर्मिंघम में, सारे हाउसफुल शो गए रमज़ान के महीने में, बहुत बड़ी बात होती है, तो जो ओवरसीज ऑडियंस जो दिलजीत लाते हैं वो तो देखेगी ये पिक्चर। हम चाहते हैं कि जो हमारी हिंदुस्तान की जो जनता है वो इस पिक्चर से कनेक्ट हो, क्योंकि जो ये यूथ की पिक्चर है, ये हर उस इंसान की स्ट्रगल है, गोली लगना एक अलग बात है, लेकिन हर जो इंसान जो अपनी स्ट्रगल देखता है या करता है, संघर्ष करता है, अप्स एंड डाउन स्पोर्ट में जो होते हैं वो लाइफ से कंपेयर हुए जाते हैं, तो यस, ये हमारी जो बिलियन जो तादाद है, जो आवाम है हिंदुस्तान की, उसमें से बहुत ही कम लोग चुने जाते हैं, शायद 11 प्लेयर हॉकी खेलते हैं या 11 प्लेयर क्रिकेट खेलते हैं हिंदुस्तान के लिए, लेकिन वो 11 इसलिए खेलते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप में इतना ज़्यादा विश्वास रखते हैं
जो उनकी कमियां होती हैं वो कमियों को अपनी स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करते हैं, वो एक भूख होती है, दैट स्ट्राइव टू डू वेल, दैट फायर इन द बेली जैसे वो कहते हैं. तो आई फील दैट जो भी ये फिल्म देखने आएंगे वो अपने आप को संदीप सिंह में पाएंगे, वो अपने आप को विक्रमजीत सिंह में पाएंगे, वो अपने आप को उनकी फैमिली में, उनकी माता, उनके पिता, उनके भाई बहन जो भी हैं, उनकी जो पर्सनल स्ट्रगल रही है लोगों की, वो इस फिल्म में देखने को मिलेगी. साथ में गाने भी अच्छे हैं, इंस्पिरेशनल है. सूरमा का टाइटल एंथम जो है बहुत अच्छा इंस्पिरेशनल गाना है, गुड मैन दी लालटेन बहुत ही अच्छा निकल गया. डांस नंबर है, एक छोटे गांव की कहानी है, और हम जब उस जो गांव में जो इनोसेंस है, जो उस मिट्टी की खुशबू है, वो उस पिक्चर में. जी चलिए, जाते जाते 13th ऑफ जुलाई को फिल्म आ रही है, क्योंकि आपने अब आप बैक टू बैक फिल्में कर रहे हैं. जब बड़े लेवल तक फिल्में आती हैं, जी हमेशा होती है सर, दो जगह नर्वसनेस हमेशा होती है. एक, जब आप कोई भी नवा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हो, या पहली दफ़ा कोई भी फिल्म सेट पे जाते हैं, नवे फिल्म सेट पे जाते हैं, नर्वसनेस. बटरफ्लाइज इन द स्टमक आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन आर्टिस्ट, इवन फॉर मोर सो फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन, बिकॉज दे ओनली गेट द बेटर आउट ऑफ इट. थोड़ी नर्वसनेस जरूरी है, अगर आपको नर्वसनेस नहीं रहेगी ना तो आप परफॉर्मेंस शायद नहीं वो कर पाओगे. इट्स इंपॉर्टेंट टू बी क्लूड इन, इट्स इंपॉर्टेंट टू बी फोकस, इट्स इंपॉर्टेंट टू शट योरसेल्फ फ्रॉम द होल वर्ल्ड एंड just focus on your, try and become one with the game, only then the game or as an artist music will become one with you, or as an actor my method of understanding my craft will become one with me. That is all very important. I'm very nervous but I'm equally excited. We have put a lot of sweat and blood in this film, all three of us, not just us, Satish ji, Vijay Raj sir, Shahad himself, the whole team, Eka from costume, you know, the production team of Sony, whether it's our producers Sneha Rajani, Chitrangada, Pranjal, or for that matter Deepak. So everybody has come together, has tried to put their best foot forward. So we want to say that just 13 July, more than 9 days have left, maybe after that a week, time will fly. I just feel that it's important that people just come and see this. The rest is their opinion. What they think of it, but I really want ki ek bari theater mein aake picture zarur dekhiye. Chaliye, thank you so much. Shukriya. Thank you. Thank you.